हजारों का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। अपना दल का राष्ट्रीय अधिवेशन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। अधिवेशन के दौरान पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अधिवेशन में पार्टी की अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के साथ पार्टी के सभी सांसद, विधायक व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अधिवेशन को लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लेकर लोहिया पथ और मॉल एवेन्यू क्षेत्र में पार्टी नेताओं ने पार्टी के झंडे व बैनर लगाए हैं। वहीं इस अधिवेशन में सभी जिलों के जिला अधीक्षक शामिल हुए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही अधिवेशन के दौरान पार्टी के आगामी कार्यक्रम तय किए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु जुड़ेंगे। विवांशु, एक बार फिर से पार्टी की कमान अनुप्रिया पटेल के हाथ में है। जी जी मयूरी, आपको बता दें कि अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो चुका है। इस अधिवेशन के अंदर में प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें शिरकत किए थे। और आपको बताएं कि एक बार फिर कार्यकर्ता और जो कोर कमेटी है, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो जिम्मा था वो अनुप्रिया पटेल को सौंपा है। एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्षा का जो जिम्मा है वो अनुप्रिया पटेल संभालते हुए नजर आएंगी। आपको बताएं कि आज के इस अधिवेशन में अपना दल एस के 11 विधायक शामिल हुए, साथ ही साथ सभी सांसद और सभी जो पदाधिकारी है वो शामिल हुए। आपको बता दें कि अपना दल एस को प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जब अनुप्रिया पटेल ने उसको बताते हुए कहा कि कहीं ना कहीं हम जो उनके पार्टी के मार्गदर्शक हैं, उनके पिता और उनके राजनीतिक गुरु कृष्णा पटेल, उनके सोनेलाल पटेल, उनके जो तमाम सपने थे उसको वो साकार कर रही है और जो सपने अधूरे हैं जल्द उसे पूरा करेंगी। और इस वक्त मैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे हूँ, जहाँ अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए कि यहाँ आप देख सकती हैं कि तमाम कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए, शिरकत होने के लिए बड़े ही होश और जोश के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। अगर बात की जाए तो मेरे ठीक सामने एक जिले के जिलाध्यक्ष हैं, वो अभी अगर बात की जाए तो उनके पैर में फ्रैक्चर है और टाका का फ्रैक्चर कटने के बावजूद वो कहीं ना कहीं उनका जोश है जो इस अधिवेशन में उन्हें खींच लाया है। सबसे पहले हम उनसे शुरुआत करेंगे, उनसे बात करेंगे और हम जानेंगे कि कितने उत्सुकता है आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा का पद फिर से एक बार अनुप्रिया पटेल जी को मिला है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुशी है। मेरा पैर फ्रैक्चर है, सरिया पड़ा हुआ है, तब भी चूंकि पार्टी को राजस्त्री पार्टी का दर्जा मिला तो हम पहली बार अपने संवैधानिक तरीके से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जी बिल्कुल मैम, आमतौर पर देखा जाता है महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कम होती है, मगर इसका उल्टा एक जीता जागता उदाहरण है अपना दल एस, क्योंकि देखा जाए तो इस दल में जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ एक महिला है, ये आमतौर पे कम देखने को मिलता है, क्या कहेंगे? कितनी मजबूती मिलती है महिलाओं किससे? हमारी नेता माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी इस भारतीय लोकतंत्र की एक आदर्श शक्ति है, नेतृत्वकर्ता के रूप में, जो महिलाओं को एक असीम जो है प्रेरणा देती है कि किसी भी पद को, राजनीतिक पद को, हमारे महिला बहनें जो है भलीभांति संभाल सकती हैं। आज हमारे लिए गौरव का दिन है और एक ऐतिहासिक दिन है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध तरीके से जो है अपने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं। कितनी मजबूती मिलेगी महिलाओं को इससे? अरे बहुत मजबूती मिलेगी, वह बता दो रही कि एक ऐसी महाप्रेरणा स्रोत शक्ति है बहन अनुप्रिया जी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को लाने के लिए, कि उसका कोई हम बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में। बिल्कुल, आपकी आंखें छलक रही हैं। वो शक्ति हमको मिल रही है। बिल्कुल, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है और कहां से आए हैं? राजेश पटेल बुलबुल, मैं प्रयागराज की धरती से आया हूं। और बहन अनुप्रिया पटेल का जिस तरीके से नेतृत्व सामाजिक न्याय पे आधारित चल रहा है, निश्चित रूप में हमने तो संकल्प लिया है आज इस अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे कार्यकर्ता हमारे आने वाले कल में
राज्य स्तरीय पार्टी से लेकर के अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हमें बनानी है, इसके लिए हम पूरी तरह से संकल्पित हैं। आज अनुप्रिया पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि हम जो तमाम सपने थे उसको पूरा कर चुके हैं, आप विधायक हैं, 11 जो विधायक की बात हो रही थी, 12 विधायक बात हो रही थी, उसमें से आप एक हैं। कितनी उत्सुकता थी आज के अधिवेशन को लेकर, और फिर से एक बार अध्यक्ष पद का जिम्मा मिला अनुप्रिया पटेल को, कितनी इस बात को लेकर उल्लास आपके अंदर? ये ऐतिहासिक क्षण है, बहन अनुप्रिया पटेल इस समय देश की महिला आइकन है, पिछड़े दलितों शोषितों की आवाज़ हैं, तो ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। और पूरा अपना दल और पूरा शोषित वंचित समाज और आधी आबादी, महिलाओं की जो आबादी है, सब प्रसन्न है बहन अनुप्रिया पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे। वो दिन दूर नहीं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहन अनुप्रिया पटेल काबिज होंगी, यही हम लोगों का सपना है। और जब तक जिंदाबाद, ये सपना पूरा नहीं होता है, हम लोग 24 घंटे दिन रात काम करेंगे। जिंदाबाद। विधायक जी, हमें ये बताएं कि आप क्षेत्र की समस्याओं को ये विधानसभा में रखते हैं, कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा से आप उनसे राय मशवरा करते होंगे, तो कैसा रवैया रहता है उनका? एकदम हमेशा सहयोगात्मक रवैया रहता है और पूछती रहती हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछती रहती हैं, अपनी समस्या बताएं, आपसे हल नहीं हो रही है तो हमेशा हल करने के लिए तैयार रहती हैं, बहुत ही सहयोग बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जी, हमें ये बताएं कि प्रदेश की अब तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में अपना दल देखी जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? तीसरी नंबर के हमारी ये कार्यकर्ताओं के जो सहयोग मिले हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल देखिए, हकीकत में अपना दल का जो कार्यकर्ता है वह जमीन से जुड़ा है और एक एक गरीब मजलूम वंचित शोषित का साथ देता है, हमेशा दुख में खड़ा मिलता है। ये राज्य स्तरीय आज पार्टी तीसरे नंबर की बनी है, मैं आने वाले कल में यह ऊर्जा, चूँकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब जिस तरीके से आंदोलित करते थे, ऊर्जा भरते थे, उनका कहना था कि हमें सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, और उस पर बहन अनुप्रिया पटेल जी सामाजिक न्याय की चर्चाएं करते करते आज वह संगठन बढ़ा रही हैं कि आने वाले कल में हम राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने में सफल होंगे। जी बिल्कुल, तो मयूरी आपने साफ तौर पे सुना कि कार्यकर्ताओं के अंदर जो पदाधिकारी हैं, हमारे साथ विधायक थे तमाम पदाधिकारी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सोनेलाल पटेल के तमाम सपने थे उसको पूरा करते हुए अनुप्रिया पटेल नजर आ रही हैं, और जो सपने अधूरे हैं वो आने वाले दिनों में पूरा कर लिए जाएंगे। जी ठीक है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, तो राष्ट्रीय अधिवेशन में इसको लेकर क्या कुछ चर्चा की गई है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीवा से भी लोग आए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के रीवा से लोग आए हैं, और उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग जो राज्य है उससे भी लोग आज यहां शिरकत किए हुए हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताएं और कहां से आए हैं, और कितनी उत्सुकता थी इस अधिवेशन को लेकर, आके आपको कैसा लगा अपने नेता को सुन के? मेरा नाम दिनेश बिहार है, मैं जनपद सोनभद्र का, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड और बिहार बॉर्डर से हूँ, और छत्तीसगढ़ का भी निवासी हूँ। आज मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ अपना दल यस, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुप्रिया पटेल जी को निर्वाचित होने पर यह एक संदेश है पूरे देश के लिए, छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे बिहार हो झारखंड में, एक राष्ट्रीय आज हम क्षेत्रीय पार्टी राज्य पार्टी बने हैं, आने वाले दिनों में राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरेंगे, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड बिहार हर जगह पार्टी को खड़ा करने का काम करते हैं। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, निकाय चुनाव साल के अंत या नए साल पे हो सकता है, क्या अपेक्षा रखते हैं पार्टी में कि कैसा प्रदर्शन करेगी और किसको लेकर क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? पार्टी हमारी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी, हमारे नेता में इतना बड़ा अटूट विश्वास है, उनकी ऐसी कार्य प्रणाली है, सब छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलने का एक जुनून है। मैं वैसे मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम सूर्यभान सिंह है, मैं यही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन था इसीलिए कार्यक्रम में शामिल हुआ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, बड़ा अच्छा जन सैलाब रहा, बहुत अच्छे कार्यकर्ता। अच्छा, आमतौर पर देखा जाए तो सोनेलाल पटेल उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी अपना कहीं ना कहीं छाप छोड़ते हुए नजर आते थे, उसको लेकर कुछ बताएं ऐसे किस्सों, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप बेहतर ढंग से उनके साथ रहे होंगे, उनके साथ काम किए होंगे, कुछ अनुभव को साझा करें जो हमारे दर्शकों को बढ़िया लगे और उनसे ऊर्जा मिल सके कार्यकर्ताओं को। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर साहब के साथ हम लोग 12 अप्रैल 1997 में डॉक्टर साहब के साथ जुड़े, निरंतर
जब तक डॉक्टर साहब रहे मध्य प्रदेश में बहुत कार्यक्रम करते थे, हम लोग उनके साथ सदैव रहते थे, वो नहीं रहे, उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल जी उनसे भी बेहतरीन प्रदर्शन करके आज इस पार्टी को जो डॉक्टर साहब के समय में इसका पंजीयन हुआ था, आज वो उत्तर प्रदेश ऐसे विशाल राज्य में ये राज्य स्तर की पार्टी की मान्यता मिली और ये दिनों दिन इसका कारमा बढ़े। जी जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं मान सिंह बिसेन मेरा नाम है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, अपना दल का युवा मंच का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ। अच्छा, आज राष्ट्रीय अधिवेशन में आए थे और आपको अपने नेता को सुना, कितना उपजाल मिला उससे? वो तो व्यवस्था परिवर्तन के अग्रदूत हैं, उन्होंने जो डॉक्टर सोहनलाल पटेल साहब ने आंदोलन चलाया था उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। मैं तो उनको सर्वप्रथम अपने मध्य प्रदेश की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी, तो आपने साफ तौर पे सुना कि जो डॉक्टर लाल सोनेलाल पटेल थे उनका उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश में भी वो अलग उनका छाप था और उनके ही साथ के लोग आज यहाँ आए हैं, उनके विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर आज वो अपने प्रदेश को छोड़कर राजधानी लखनऊ में अधिवेशन में सम्मिलित हुए हैं। हमारे साथ एक महिला हैं जो डॉक्टर सोनेलाल के संघर्षों के दिनों उनके साथ रही हैं, उनके संघर्षों को बहुत ही करीब से देखी हैं, साथ ही साथ जब अपना दल का गठन हुआ तो कहीं ना कहीं वो संस्थापक सदस्य के तौर पे भी काम की हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जिम्मा है वो अनुप्रिया पटेल को फिर से सौंपा गया है, कितनी खुशी है इससे इसको लेके? ये जितना कहा जाए कम बा, अपार खुशी है कि अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय हमारा अध्यक्ष फिर से बनी, ओकरे लिए तह दिल से आशीर्वाद देते हैं। और जब डॉक्टर पटेल नींव डाले ने अपना दल का, तब से हमार नाम लखू चौधरी, अपना दल प्रदेश महासचिव वही है और प्रतापगढ़ से पहला विधायक दिन तो प्रतापगढ़ से अपना दल का दिन, और जब तक हाथ पैर चले तब तक दल में काम करब, और अनुप्रिया पटेल के जब तक मुख्यमंत्री ना बनाए दे तब तक बैठब ना। अच्छा, आज अनुप्रिया पटेल अपने संबोधन में कह रही थी कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जो सपने थे उसको कुछ हम पूरा कर लिए, जो अधूरे उसे पूरा करेंगे, और इसको लेके आप क्या सोचती हैं? बस वही, डॉक्टर पटेल के सपने के लिए सारे जितने कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से आए, डॉक्टर पटेल का सपना जो अधूरा रहा उसी के पूरा करने के लिए सारे लोग लगा ही, और होगा पूरा, होके रहेगा पूरा। अपना दल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, आशीष भैया जिंदाबाद। जी, तो साफ तौर से आप ये पदाधिकारियों को जी जी बहुत बहुत धन्यवाद व्यांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी नंदनी, गाजियाबाद में घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के कैला भट्टा में एक युवती की उसी के घर वालों ने निर्मम हत्या कर दी और आनन फानन में युवती की लाश को दफनाने की कोशिश की। वहीं पर परिजनों के लाश को दफनाने से पहले ही युवती के दोस्त ने पुलिस को सूचना दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक युवती ने मरने से पहले अपने दोस्त को आखिरी बार फोन किया था, बताया कि मेरे परिवार वाले मुझे मारना चाहते हैं। बता दें कि युवती का नाम गुल आसफा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवती के दोस्त की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर परिजनों की तलाश कर रही है। मेरी एक फ्रेंड थी, क्या नाम था? गुलफसा, गुलफसा गजकर नाम है उसका। रात मेरे पास उस केला भट्टे पर 4 नंबर गली में रात मेरे पास उसकी कॉल आई थी कि उसके घर वाले उसे परेशान कर रहे हैं कि आज मुझे मार देंगे मेरे घर वाले, कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से बचा लो, मुझे निकाल लो। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने कहा ऐसा घर वाला कोई नहीं करता, फिर भी उसे ज़बरदस्ती करके उसे गला घोट कर मार दिया गया। मेरे पास उसके सारे एविडेंस हैंगे, रिकॉर्डिंग हैगी, सब कुछ हैगा मेरा उसका। कैसे एविडेंस है आपके पास? मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, जो जब जिस टाइम उसे मार रहे थे
उसकी सारी रिकॉर्डिंग है कि बचा लो मुझे, और उसकी छोटी बहन भी बचा रही थी कि मत रहन दो भैया रहन दो, वो सब चीज़ की रिकॉर्डिंग हैगी मेरे पास। किन किन लोगों ने मारा है? एक मोहित नाम है, एक तोहित है और उनकी मम्मी है शमशीदा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा हमसे जुड़ेंगे। प्रवीण, ओनर किलिंग का मामला सामने आया है जहां युवती के उसी के घर वालों द्वारा निर्मम हत्या करने की मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी घटना है? देखिए आपको बता दूं, गाजियाबाद का पूरा मामला है जहां पर केला भट्टा में जिस तरह से एक ऑनर किलिंग का मामला जो सामने आया है, पूरा सनसनीखेज मामला है जो कि पूरे गाजियाबाद में लोगों के मन में एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। उन्हीं के माता और उसके भाई ने उस जो 20 वर्षीय जो बच्ची है उसके साथ जिस तरह से उन लोगों ने एक क्रूरता पूर्वक उसकी हत्या कर दी, खासतौर पे और मामला जब संज्ञान में पूरा आया जब उसी के फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को पूरी जानकारी दी इस मामले की और लगातार उससे बात करते हुए उसने ये भी बताया कि मुझे आज जान से मार दिया जाएगा, आज मुझे इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, तो इस तरह से वो युवती अपने फ्रेंड से सारी जानकारी साझा कर रही थी। हालांकि वो जो फ्रेंड उसका था युवती का, वो उसको लगातार दिलासा दे रहा था कि ऐसा कभी भी कोई फैमिली का परिवार का आदमी अपने ही बच्चे को नहीं मारता है, इस तरह से आप निश्चिंत रहो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसके बाद दोबारा कॉल करते हो, कॉल कनेक्ट नहीं होती है, डिसकनेक्ट नहीं होती है, लेकिन वो सारी बातें उस मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं। जब उस युवती के साथ मारपीट करते हैं उसी के परिवार वाले, उसका भाई और उसकी माता, कहीं ना कहीं ये मामला पूरा ऑनर किलिंग का है जिसमें उसकी छोटी बहन भी इस बचाव का कोशिश करती है, लेकिन उसमें उस जो बच्ची है जिसके 20 वर्षीय जो लड़की है उसके साथ जिस तरह से परिवार वालों ने जिस तरह से उसको जान से मार दिया। और बता दें आपको कि पुलिस को इसकी सूचना 10:30 बजे गुरुवार को मिली, जबकि पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है, पुलिस पहुंचकर वहां पर जो भी साक्ष्य होते हैं उनको जुटाने की कोशिश करती है, और उसके बाद जो फॉरेंसिक टीम है खासतौर पर उसको वहां बुलाया जाता है, फॉरेंसिक टीम भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। हालांकि मामला जो है ये ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ है क्योंकि पूरे गाजियाबाद के अंदर में दिल दहला देने वाली ये घटना है, जिस तरह से केला भट्टा के अंदर में जो ये घटना हुई है ये काफी सनसनीखेज मामला है। जैसे कि लड़की जो पीड़ित है वो लगातार अपने मित्र से संपर्क में थी और लगातार ये पूरी घटना को बता भी रही थी कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ये घटनाक्रम ऐसा होने वाला है, जो मेरे परिवार वाले हैं मुझे आज वो जहर का इंजेक्शन देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिल्मी जो कहानी कहते हैं कि वो फिल्मी कहानी जो एक फिल्मों में बताई जाती है, वो कहानी रूबरू एकदम रियल में ये चीज सामने देखने को मिली है केला भट्टा गाजियाबाद से। जी प्रवीण, युवती के दोस्त की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, तो इस पूरे मामले पर युवती के दोस्त का क्या कुछ कहना है? देखिए युवती के दोस्त का साफ तौर पे कहना है, रात में जब उसने अपने फ्रेंड से बातचीत की, बातचीत करते समय उसने सारी घटना जो थी वहां पर जो उसके साथ होने वाला था, हालांकि उसको पहले से ही ये बात पता चल गई थी कि आज उसके साथ कुछ घटनाक्रम ऐसा होने वाला है, कुछ घटित ऐसा घटना होने वाली है जिससे कि हो सकता है उसकी जान चली जाए, तो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से संपर्क में थी, लगातार उसको इन सारी घटना की जानकारी दे रही थी और उससे रो रोकर गुहार भी लगा रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आज मुझे लगता है कि मुझे इंजेक्शन मेरे परिवार द्वारा मुझे जहरीला इंजेक्शन दे दिया जाएगा और उसके बाद मुझे मैं मर जाऊंगी, इस तरह से वो बातें कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जब जो उसका जो फ्रेंड है वो उसका साफ तौर पे कहना है कि जो उसकी जो फ्रेंड है उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम भी वहां पर मौके पर पहुंची, तो एक एक साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है पुलिस और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा। हालांकि जो रिकॉर्डिंग है और जो जिस तरह से बातचीत हुई है उस फ्रेंड के द्वारा, तो कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है वो उसकी माँ और उसके भाई के से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो अब मुकदमा दर्ज कर लिया है, अब जो जांच है, जांच के बाद जो सब था लड़की का उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जो जांच में जो भी डॉक्टर उसमें रिपोर्ट दर्ज भेजेंगे उसके आधार पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उन धाराओं में उनके ऊपर संगीन मुकदमा दर्ज होगा। तो कहीं ना कहीं जो ये गाजियाबाद का पूरा केला भट्टा का मामला है, दिल दहला देने वाली घटना है, 20 वर्षीय बच्ची के साथ, हालांकि कहीं ना कहीं परिवार वालों की तरफ से और जो वहां के मोहल्ले पड़ोस वालों का कहना है कि जो लड़की है उसके ऊपर एक प्रेम प्रसंग का, जैसे जिस तरह से लड़की के चरित्र के बारे में इस तरह से घर वाले उसको डांटा करते थे और उससे इस विषय में पूछा भी करते, तो कहीं ना कहीं एक प्रेम प्रसंग का मामला भी इसमें देखा जा सकता है कि लड़के से के साथ उसके कोई गलत संबंध थे, उसको लेकर परिवार वाले उससे डांटते भी थे और पहले भी उसे मारपीट कर चुके, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। जी धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए।
बड़े स्तर पर सुर्खियों में छाया रहने वाला कवाल कांड को 8 साल बीत चुके हैं। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक को 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अब विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। बता दें कि साल 2013 मुजफ्फरनगर जनपद के कवाल गांव में गौरव और सचिव की हत्या के बाद पुलिस ने खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 307 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को समाजवादी पार्टी के माथे मढ़ा है। उनका साफ कहना है कि ये सब इसी पार्टी की देन है। बता दें साल 2013 मुजफ्फरनगर जनपद के कवाल गांव में गौरव और सचिन की हत्या के बाद पुलिस ने खतौनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 307 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बता दें 8 साल पुराने कांड में विधायक विक्रम सैनी की विधायकी रद्द की गई है। बीजेपी एमएलए विक्रम सैनी की विधायकी रद्द हुई है। 8 साल पुराने कवाल कांड मामले में दोषी हैं। बड़े स्तर पर सुर्खियों में छाया रहने वाले कवाल कांड को 8 साल बीत चुके हैं। बीजेपी विधायक को 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अब विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। बता दें कि साल 2013 मुजफ्फर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, 8 साल पुराने कवाल कांड में एक्शन लेते हुए बीजेपी एमएलए विक्रम सैनी की विधायकी रद्द कर दी गई है। यहाँ पर विधायक की रद्द की गई, हालांकि अभी उन्होंने क्योंकि अभी हाल में उनको सजा सुनाई गई थी 2 साल की। और कवाल कांड पुराना कांड है, बेहद जिला का मामला है। स्थिति वहाँ खराब हुई थी, उसके चलते 28 लोग उसमें नामजद किए थे, जिसमें जिसमें खतौली से विधायक विक्रम सैनी भी शामिल थे। और निश्चित रूप से जब पिछड़ा थाने में FIR हुई थी, लगातार एक कार्रवाई चल रही थी। और एमपी एमएलए कोर्ट ने भी हाल में ही कुछ समय पहले इनको सजा सुनाई थी 2 साल की। 2 साल की सजा के साथ साथ 10,000 रुपए का अर्थदंड भी यहाँ पर लगाया था। और अभी हाल में हमने देखते हुए देखा कि आजम खां को 3 साल की सजा सुनाई गई थी अभद्र स्पीच के मामले में, हेट स्पीच के मामले में। उसके बाद लगातार जयंत चौधरी भी इस पर पत्रकार रहे थे, लगातार विपक्ष हमला कर रहा था बीजेपी के ऊपर की किस तरह से आपने अगर आजम खां की सदस्यता रद्द की है तो विक्रम सैनी की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बड़ा फैसला आया है, सदस्यता रद्द की गई। हालांकि ये जो मामला है, इस मामले को लेकर विक्रम सैनी ने अब जो उच्च अदालत में वहाँ पर अपील दाखिल की है, उसके अगर वहाँ पर भी कुछ सुनवाई होती है, शायद उसके पर से फैसला आता है, तो शायद यहाँ पर रिक्त नहीं मानी जाएगी। फिलहाल अभी इस पर जो लीगल सेल, उसको मामला भेजा गया है, आने वाले समय में ये सीट रिक्त मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी वो पक्ष बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि जिस तरह से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप को दौर चल रहे थे आजम खां को हेड स्पीच मामले में सुरक्षा रद्द होने के बाद, वहाँ पर उपचुनाव की बात कही जा रही थी, तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है या फिर लीगल सेल के बाद से कोई अन्य निर्णय लिया जा सकता है। कहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वह समाजवादी पार्टी के उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। जी बिल्कुल, यहाँ पर 2013 का मामला है और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप दौर से चलते रहते हैं। हालांकि जिस पर भी आरोप लगते हैं वो आदि कहता है, हालांकि उन्होंने अपील दाखिल की है क्योंकि सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है, 2 साल की सजा सुनाई है, 10,000 का अर्थदंड लगाया। हालांकि जो विधायकी रद्द करने की अगर हम बात करें तो एक जो विधायकी संबंध में एक संवैधानिक व्यवस्था है 2002 के तहत, जहां पर 3 साल से कम की सजा पर विधायकी रद्द नहीं होती है। पर यहां पर चूंकि सजा मिली है, 10,000 का अर्थदंड भी लगा है और लगातार आजम खां को जो उनको सजा दी गई थी, उसके चलते विपक्ष लगातार हमलावर था सरकार के ऊपर, तो यहाँ पर सरकार रद्द की गई। हालांकि सीट रिक्त होगी कि नहीं होगी ये अभी भी प्रश्न रहेगा। फिलहाल ये मामला लीगल सेल को भेज दिया गया है, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए।
कानपुर में नौबस्ता थाना क्षेत्र के काली मठिया इलाके में मानव तस्करी के चलते एक किशोर को 6 महीने तक बंधक बनाने का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्तियों के चंगुल से छूटने के बाद किशोर ने आपबीती बताई, जिसके बाद पार्षद प्रशांत शुक्ला की तरफ से थाने में घेराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए पीड़ित को मेडिकल के लिए भेजा। वहीं इस पूरे मामले में मानव तस्करी गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला ये मेरे क्षेत्र का एक नागरिक है, उसका नाम जीता नाम मांझी है। मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। उसको कोई व्यक्ति विजय जो कि मछरिया का रहने वाला है, उसको किसी बहाने से, किसी काम के बहाने से ले गया। फिर उसके बाद उसने दोनों उसके हाथ तोड़े, पैर काटा एक और एक पैर तोड़ा, और उसके बाद उसकी आँखों पर कोई ऐसा केमिकल डाला जिससे वो दोनों आँखों से ठंडा हो गया। फिर उस व्यक्ति के बताए अनुसार उसको 70,000 रुपये में बेचा गया। फिर उसको दिल्ली ले जाने के बाद वहाँ पर उससे ठीक मंगवाई जाती है, क्योंकि एसिड के कारण जो उसका शरीर जला था उसमें इन्फेक्शन फैल रहा था। तो जिस भी व्यक्ति ने खरीदा था उसने उसको वापस करा, रीसेल के लिए वो कानपुर फिर से लाया गया। तो जब वो कानपुर लाया गया तो किदवाई नगर टेम्पो स्टैंड की बात है, जैसे कि टेम्पो वाले चिल्लाते हैं कि किदवाई नगर वाला आ जाए, टेम्पो स्टैंड वाला आ जाए, तो उसको सुनाई पड़ा। वहाँ उसने जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज़ करी। लगभग उसके बताने सर 3 बजे के समय था, वहाँ पर जो भी उपस्थित लोग थे, जो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स थे, उन्होंने बचाया उसको किस तरीके। थाना नौबस्ता पे सुरेश मांझी नामक 30 वर्षीय युवक ने एक तहरीर दी है। करीब 6 माह पूर्व यहाँ कानपुर के एक व्यक्ति ने उसको मजदूरी के लिए रखा था, लेकिन इसका कथन है कि उसके बाद उसने उसको बंधक बनाया, उसके साथ मारपीट करी और तत्पश्चात यहाँ से कानपुर सेंट्रल से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में उसको बिठाकर दिल्ली भेजा। उसका यह आरोप है कि इस व्यक्ति ने दिल्ली के एक व्यक्ति को उसको 70,000 रुपये में बेचा। वो दिल्ली में 6 माह तक उससे भीख मांगने का कार्य कराया गया है। इस तहरीर के आधार पर थाना नौबस्ता में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इसकी स्वयं ACP पर्यवेक्षण कर रहे हैं, निकट पर्यवेक्षण कर रहे हैं। पूरा प्रकरण एक सुरेश मांझी जो लेबर का कार्य करते हैं, ये पिछले काफ़ी दिनों से किसी ने हायर किया था और उनके परिजनों का जो है जो वहाँ स्थानीय जो पार्षद है यशोदा नगर के, वो उनके पास गए थे कि इसको जो है 6 महीने से जो है लेके गए और इससे जो है मतलब बंधक बना के इससे लेबरी कराई गई और इसके साथ जो है अंगभंग किया गया। इसके संबंध में वो उसके मतलब कुछ उनके साथ लोग आए और संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया, अभी वो पंजीकृत कराया जा रहा है और उसको मेडिकल के लिए भेजा रहा है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी अगर जो सत्यता हो उसके आधार पर हम शिकार है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमसे जुड़ेंगे। अनिल, कानपुर से बड़ी घटना सामने आई है जहां एक किशोर को 6 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। क्षेत्र का मामला है और लगभग 6 महीने पहले एक सुरेश नाम का व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, वो नौकरी की तलाश कर रहा था, जिसकी नौकरी की तलाश में ही उसको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम विजय था। उसने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा, जिसके चलते वो उसके साथ गया, लेकिन जो उसने उसको अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उसको काफी मारा पीटा और बताया भी जा रहा है, जो सुरेश है उसके अनुसार, जो पीड़ित है उसके अनुसार ये है कि उसने मेरे हाथ पैर तोड़े और आंखों में केमिकल डाल के उसने मुझे अंधा कर दिया। अंधा करने के बाद उसको किसी ट्रेन के माध्यम से कानपुर सेंट्रल से दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में किसी विजय नाम के व्यक्ति को 70,000 रुपये में इसको भेज दिया था। उसने बताया कि जब दिल्ली में मैं काफी प्रताड़ित हुआ और मुझे काफी प्रताड़ना दी जा रही थी, मुझे नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, नशे का इंजेक्शन देकर मुझे किसी ना किसी चौराहे पे दिल्ली के अंदर बैठा दिया जाता था और मुझसे भीख मंगवाई जाती थी। और भीख मंगवाने के बाद जब ये सब कृत होता रहा और वो काफी पीड़ित होता रहा, उसको इतनी यातनाएं दी गई, यातना के चलते वो काफी बीमार हो गया, जिससे घबरा कर दिल्ली में जो विजय नाम का व्यक्ति था उसने उसको फिर से जिस कानपुर में राज नाम के व्यक्ति जिसने इसको बेचा था कि दिल्ली में, उसको फिर से उसने वापस कर दिया। उसने कहा कि मुझे इस व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरा व्यक्ति चाहिए होगा। हालांकि जब सुरेश जो कि पीड़ित था वो कानपुर आ गया था, तो कानपुर में आने के बाद उससे 2 महीने कानपुर में भी भीख मंगवाई गई। जैसा कि सुरेश का कहना है कि जब वो किदवई नगर टेम्पो स्टैंड के पास भीख मांग रहा था, हालांकि वो केमिकल से उसकी आंखें अंधा हो चुका था, इसको कुछ दिख नहीं रहा था, जब वो किदवई नगर चौराहे पे भीख मांग रहा था, किदवई नगर पे जब ऑटो वाले आवाज लगा रहे थे किसी लोकेशन जाने के लिए, तो वो समझ गया कि मैं इस वक्त कानपुर हूँ। तो जब कानपुर में जब उसको पता चला मैं कानपुर में हूँ, तो उसने चिल्लाना चालू कर दिया
जब शोर मचाया तो राहगीरों ने उसको देखा, राहगीर जब मिले उसको, उसने अपनी अपनी आप बीती बताने के बाद में उसको लोगों ने उसके भाई को भाई से संपर्क किया और उसके घर वालों को सौंपा। हालांकि पुलिस मुकदमा लिखने के लिए कहीं ना कहीं इसमें आनाकानी कर रही थी, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद के इंटरफेयर से उसमें मुकदमा लिखा गया। अनिल, तो इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है? हालांकि इसमें पुलिस के माध्यम जब क्षेत्रीय पार्षद और लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और मुकदमा लिखाने के लिए कल रात जब थाने में काफी बवाल किया, उसके बाद पुलिस ने 3 नामजद व्यक्तियों के नाम मुकदमा लिखा है और नामजद मुकदमा लिखने के बाद कमिश्नर द्वारा एसीपी को जांच सौंपी गई है और उस पर जगह जगह दबिश दी जा रही है। धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।